तारीख का समय है, 10 तारीख तक जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा। जवाब देने का मौका दिया गया उसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इस मामले में चूँकि सभी चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, स्पष्ट रूप से दिखता है, संविधान विशेषज्ञों की बात करें या रिटायर्ड जस्टिस की बात करें या चुनाव आयोग के जो पूर्व सलाहकार रह चुके हैं मेहंदी रत्ता जी, उनकी बात करें, सभी का मंतव्य तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुना, तो कहीं से कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। प्रयास हालांकि लोग कर रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार को कैसे अपदस्त किया जाए, कैसे एक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी का बेटा को, एक झारखंडी का बेटा को कैसे ट्रॉल किया जाए मीडिया के माध्यम से, आप विभिन्न तरह के बातों को प्रचार, गलत बातों को प्रचारित करते हुए। तो कहीं ना कहीं चूँकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा, मुझे लगता है हमारे पक्ष में आएगा। हम सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं और प्रश्न बहुत तरह के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो हड़बड़ियाँ दिख रही हैं, जो जल्दीबाजी दिख रही है, जो घटनाक्रम है, उससे लगता है ये एक चुनी हुई सरकार को, एक प्रचंड बहुमत की सरकार को कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है परेशान करने का। अगर चुनाव आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री को नोटिस दिया है तो स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री उस नोटिस का जवाब चुनाव आयोग को देंगे, और हमें लगता है कि जवाब देने के उपरांत चुनाव आयोग बिना किसी के दबाव में आकर के निष्पक्षता के साथ जवाब पर विचार करेगी और उसका अध्ययन करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु तंत्र का उपयोग करके हमेशा लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक आशंका है मन में। लेकिन हमें लगता है कि ये आशंकाएं भी मुख्यमंत्री के जवाब देने के साथ ही खत्म हो जाएगी। अर्जुन मुंडा जी ने जो बातें कही हैं वो बातें महागठबंधन सरकार के ऊपर नहीं कही है, बल्कि अर्जुन मुंडा जी ने रघुवर दास जी के ऊपर ये बातें कही है कि जिस प्रकार रघुवर दास जी ने हाथी उड़ा करके इस राज्य की जनता की गाड़ी कमाई को उड़ाने का काम किया, जिस प्रकार नौनिहालों के चॉकलेट और टी शर्ट में घोटाला करने का काम किया, जिस प्रकार मेनहट मामला आज भी लंबित है, तो जनता ने तो सबक सिखा दिया। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार आपने किया ना, तो अगर अर्जुन मुंडा जी ने अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को अगर स्वतः मान लिया है तो हमें लगता है कि अच्छी बात है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।